नमस्कार। आज फिर से एसबीआई का ही मतलब 2019 में एसबीआई क्लर्क में पूछे गए प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन है फिलर्स को लेकर, वो हम आपके सामने आज चर्चा करने जा रहे हैं। उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर पांच आपके पास ऑप्शंस हैं, मतलब कि जो यहाँ पर जो ब्लैंक्स है इस प्रत्येक क्वेश्चंस में, वहाँ पर आपको सुइटेबल वर्ड्स आपको प्लेस करने हैं। तो पहला हम शुरू करते हैं, देयर इज नथिंग टू इंडिकेट द बिल्डिंग्स पास्ट, यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो बिल्डिंग के पास्ट को इंडिकेट कर सके। ठीक है, डैश द फायर प्लेस, यहाँ पर देख लीजिए, इंक्लूडेड है, एक्सेप्ट है, बिलोंग्ड है, बार्ड है, फोस्टर्ड है। यहाँ आपको बता दें कि कुछ शब्द जो है, एक्सेप्ट मतलब होता है इसको छोड़कर, इंक्लूडेड मतलब शामिल होना, बिलोंग मतलब उसी से संबंधित, बार्ड मतलब उससे अलग किया गया या उसको रोका गया, फोस्टर मतलब किसी चीज को बनाना। ओके, तो देयर इज नथिंग टू इंडिकेट द बिल्डिंग्स पास्ट। ये आप समझ में आ गया होगा कि बिल्डिंग के पास्ट को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इंडिकेट किया जा सके फायर प्लेस को क्या करके। तो केवल वहां जो फायर प्लेस बचा हुआ था बिल्डिंग्स में, वो फायर प्लेस को क्या करके, इंक्लूड करके तो नहीं, क्योंकि नथिंग है यहां पर, तो कुछ भी ऐसा नहीं है बिल्डिंग के पास्ट में जिसके बारे में हम बता सकें उसके बारे में, केवल फायर प्लेस को छोड़कर। तो यहां क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट द फायर प्लेस, एक्सेप्ट दो हो, एक्सेप्ट जो है वो क्या है आपका, आपको हम पहले ये बता दें, एक्सेप्ट जो है वो प्रीपोजिशन है। ठीक है, एक्सेप्ट कंजंक्शन भी होता है और एक्सेप्ट वर्ब भी होता है, तो यहां पर जो है प्रीपोजिशन है, और इंक्लूडेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल को हम एडजेक्टिव भी कहते हैं, बिलोंग भी वही चीज है, पार्ट भी सेम है, फोस्टर जो है वो वर्ब है। ओके, तो यहां पर जो है एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि नॉट इंक्लूडिंग। ठीक है, तो देयर इज नथिंग टू इंडिकेट द बिल्डिंग्स पास्ट एक्सेप्ट द फायर प्लेस, केवल फायर प्लेस को छोड़कर बिल्डिंग के पास्ट के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में इंडिकेट किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, टू सर्कस एलिफेंट्स दैट परफॉर्म टुगेदर, दो सर्कस के एलिफेंट्स हाथी दैट परफॉर्म टुगेदर, जो साथ में काम किया करते थे, परफॉर्म किया करते थे, दैट परफॉर्म टुगेदर, ये जो है दैट परफॉर्म टुगेदर जो है ये क्लॉज है जो कि बताया जा रहा है एलिफेंट्स के बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये परफॉर्म जो है मेन वर्ब है, या मेन वर्ब जो है इसके बाद आने वाला है। ठीक है, तो दैट परफॉर्म टुगेदर, दैट किसके लिए है, टू एलिफेंट्स के लिए। ओके, तो टू सर्कस एलिफेंट्स दैट परफॉर्म टुगेदर डैश व्हेन क्रॉसिंग पास 23 years लेटर, 23 साल बाद जब वो एक दूसरे से मिल रहे थे या एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, तो वे उसको उनको कैसा लगा, तो कैसा लगा दोनों एलिफेंट्स को आप बता सकते हैं, तो हैप्पी हो सकता है या फिर रिजवाइज हो सकता है, एंगर तो होगा नहीं क्योंकि दोनों साथ में काम करते थे, बिलीव होगा नहीं। ठीक है, ग्रेटर वो भी नहीं होगा, तो एलिमिनेट कर दिए आप बिलीव को, एंगर को और ग्रेटर को, रहा आपका हैप्पी और रिजवाइज, दोनों सेम वर्ड है, लेकिन हैप्पी और रिजवाइज में क्या होगा, तो यहां पर जो है आपको हम पहले बता दिए थे कि दैट परफॉर्म टुगेदर ये जो है एक क्लॉज है, ये मेन वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब तो बिना मेन वर्ब का वो तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता सेंटेंस, तो यहां पर जो है रिजवाइज हो जाएगा, टू सर्कस एलिफेंट्स दैट परफॉर्म टुगेदर रिजवाइज व्हेन क्रॉसिंग पास 23 years लेटर, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए 3 नंबर में, द लॉ यानी कि कानून डैश फार्मर्स नॉट ओनली टू सेव एंड रीसो सीड्स, ये जो कानून है वो फार्मर्स को क्या करती है अभी मुझे मालूम नहीं है, यहाँ आपके पास पांच ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको उसी में से चुनना है, तो फार्मर्स को क्या करती है कि वो जो है न केवल अपने सीड्स को जो बीज है उसको सेव करे, बल्कि इसको फिर से बो भी सकते हैं, मतलब रीसो कर सकते हैं, बट ऑल्सो टू सेल देम, बल्कि उसको यह भी चीज का ये बताते हैं, ये लॉ जो है वो ये करता है फार्मर्स को कि वो उसको बेच भी सकते हैं दूसरे फार्मर्स को, नो मैटर व्हाट द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द सीड इज, इससे कोई मतलब नहीं है कि इसका जो ओरिजिनल सोर्स है, ओरिजिनल स्रोत है इस सीड का, वो कहाँ है या क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, कवर्ड्स का मतलब पहले मैं हम आपको बताते हैं, ये होता है हिडन यानी कि हाइड करना, जहां पर आप
कवर्ट करते हैं। जैसे कवर्ट ऑपरेशन आपने सुना होगा, कवर्ट सर्विलांस होता है, छुप के देखना, छुप के मतलब ऑपरेशन करना। इसका जस्ट उल्टा होता है कवर्ट का, ओवर्ट। एक ओवर्ट होता है, एक कवर्ट होता है। कवर्ट मतलब छिपके, ओवर्ट मतलब खुलेआम। इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स जो होता है, देखिए सब यहाँ पर जो है वर्ब है, लेकिन इम्प्लीमेंट्स का अगर नाउन के रूप में देखेंगे तो वो औजार होता है, टूल होता है, जो बाहर के खासकर बाहर के कामों में जो यूज़ किया जाता है उसको इम्प्लीमेंट कहते हैं। लेकिन इम्प्लीमेंट का जो एक और मतलब होता है जो वर्ब में होता है, वो होता है टू कैरी आउट या टू पुट समथिंग इनटू इफेक्ट। जैसे रिफॉर्म हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड या चेंजेस हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। तो इम्प्लीमेंट जो है यहाँ पर क्रियान्वित करना। एमिट का मतलब जानते ही हैं, जैसे कार्बन एमिशन आपने सुना होगा बहुत बार। जैसे इसको मतलब बहुत आसान शब्द इसका कह सकते हैं प्रोड्यूस करना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन एमिटेड। ठीक है, तो परमिट्स का मतलब किसी को अलाउ करना, परमिट करना। डेजर्ट्स का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या होगा, सिंपल सा आप समझ ही गए होंगे क्या होगा। द लॉ परमिट्स फार्मर्स, मतलब कि लॉ जो है ये अनुमति देती है फार्मर्स को कि वो जो है सीड्स को न केवल सेव करे बल्कि रिसो भी करे। ठीक है, और क्या करती है, और उनको यह भी कहती है कि इसको सेल करे दूसरे फार्मर्स को, भले वो जो सीड का सोर्स कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो आंसर है आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल फार्मर्स मस्ट बी एजुकेटेड। देखिए मस्ट बी है तो उसके बाद V3 ही आएगा, आपको पता ही है। एक बात याद रखिएगा कि मस्ट बी, गुड बी, शुड बी, वुड बी, ये सब के साथ जो है जनरली हम लोग V3 का यूज़ करते हैं, नहीं तो कभी कभी जो है वहाँ पर हम लोग एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, ही मस्ट बी डेड, ही मस्ट बी हैप्पी, तो ये सब हम यूज़ करते हैं। तो जैसे स्मॉल फार्मर्स मस्ट बी एजुकेटेड, लेकिन ही मस्ट बी हैप्पी जैसे आप कहेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा वो जो है एक्टिव फॉर्म है, लेकिन ही मस्ट बी एजुकेटेड तो वो जो है एक्टिव फॉर्म में नहीं है, वो पैसिव फॉर्म है, उसको एजुकेट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है स्मॉल फार्मर्स मस्ट बी एजुकेटेड एंड डैश विथ प्रॉपर इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स टू इंगेज विथ एग्रीकल्चर, यानी कि छोटे छोटे किसानों को जो है उसे शिक्षित किया जाना चाहिए। और क्या किया जाना चाहिए, किसके साथ, विथ प्रॉपर इंसेंटिव स्ट्रक्चर, एक अच्छा खासा प्रॉपर उचित इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स के साथ कि वो जो है कृषि में इंगेज रह सके, उसमें मतलब कि कृषि को वो छोड़े नहीं, वो इंगेज रह सके। तो ऑप्शन है आपके पास क्या है, फैसिनेटेड, आप जानते हैं फैसिनेटेड मतलब होता है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, किसी भी चीज़ की तरफ जो बहुत ही आकर्षित होते हैं, तो फैसिनेटेड होता है, जैसे फैसिनेटिंग होता है ना, तो फैसिनेटिंग बुक, फैसिनेटिंग फिल्म, तो फैसिनेटिंग कुछ भी कह सकते हैं, आपका जो जो आपका कह सकते हैं कि जो आपका आइडियल्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो फैसिनेटेड मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। ओके, इनकरेज्ड और यहाँ डिस्करेज्ड है, दोनों में करेज करेज लगा हुआ। करेज का मतलब आपको पता है क्या होता है, करेज का मतलब होता है साहस। अब मान लीजिए आपको कोई साहस देता है, तो साहस कैसे आता है, किसी को मतलब कि उत्साह देते हैं आप उसको, इन मतलब कि उसको जो है कह सकते हैं इंथुसियाज्म करते हैं। ठीक है, उसको जो है आप प्रोत्साहन करते हैं, और जब आप उसको ये चीज़ ना करके उत्साहित नहीं करते, उसको हतोत्साहित करते हैं, तो वो हो जाता है डिसकरेज्ड, और जब आप उसको प्रोत्साहन करते हैं तो वो हो जाता है इनकरेज्ड, मतलब किसी को आगे बढ़ाने की सेंस में इनकरेज्ड हो जाता है। ठीक है, ई एन जब लग गया है किसी भी चीज़ में तो वो जो है क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है, और उसके साथ जो है ई डी लग गया तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो जाता है। राइट, तो इनकरेज्ड और फिर डिसकरेज्ड, ये दोनों एडजेक्टिव है, तो प्रोत्साहित करना या फिर डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना। हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड में फसल, इनवाइटेड तो जानते ही हैं, इनवाइट करना किसी को। तो स्मॉल फार्मर मस्ट बी एडुकेटेड एंड इनक्रेज्ड, उसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, किसके साथ, विद प्रॉपर इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स के साथ टू इंगेज विद एग्रीकल्चर। राइट, यहां तक समझ गए होंगे आप, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में आइए। रायपुर, रायपुर जानते ही हैं, रायपुर डिस्पाइट बीइंग डैश बिटवीन टू रिवर्स, यहाँ आपको ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए। डिस्पाइट जो होता है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, और
और डिस्पाइट के बाद या तो नाउन आता है या फिर नाउन के इक्विवेलेंट कुछ आता है, यानी कि आईएनजी फॉर्म। तो डिस्पाइट बीइंग जो है वो अपने आप में आईएनजी फॉर्म लिया हुआ है, तो उसके बाद जो है हर हमेशा V3 आएगा आपको, या कोई एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या क्या है? सराउंडेड, घिरा होना, लोकेटेड, स्थित होना, रिवील्ड, किसी चीज को उजागर करना, सेटल जो है अपने आप में तो होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि उसमें ईडी भी लगा हुआ नहीं है, तो ग्रामेटिकल तो वो इसमें फिट नहीं बैठता है। तो यहां पर जो है आपका ये जो है वो क्या हो जाएगा, रायपुर डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड, सराउंडेड तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सराउंड के बाद जो है या तो बाई लगता है या विथ लगता है, तो सराउंड को हटा दिए पहले। रिवील्ड होगा नहीं, क्योंकि दो रिवर्स के बीच ये रिवील्ड नहीं हो सकता, उजागर नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शंस एकमात्र बच गया, तो रायपुर डिस्पाइट बीइंग लोकेटेड, यानी कि ये दो रिवर के बीच स्थित होने के बावजूद, वो दो रिवर कौन है? द कृष्णा एंड द तुंगभद्रा। इट इज अ डस्ट बॉल इन मई 1st वीक, यानी कि मई 1st वीक में जो है ये क्या रहता है, ये एक डस्ट बॉल, एक धूल का एक कह सकते हैं एक कटोरा रहता है। ठीक है ना, तो ये डस्ट बॉल यानी कि केवल डस्ट ही डस्ट रहता है, डिस्पाइट बीइंग लोकेटेड, डिस्पाइट बीइंग सिचुएटेड, डिस्पाइट बीइंग लोकेटेड बिटवीन टू रिवर्स, दो रिवर्स के बीच होने के बावजूद, ठीक है, ये जो है एक डस्ट बॉल है इन मई 1st वीक। ओके, तो ये आज का फिलर्स था, जो कि SBI के 2019 के जो प्रीलिम्स हुए थे उसमें पूछे गए थे। आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे जुड़े हुए कुछ भी सवाल पूछने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या खुद यूट्यूब या फिर आप फेसबुक में अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, साथ में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।